पीआरपी एंड जीएफसी। दोस्तों ये दो ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके बारे में आपने कभी ना कभी सुना जरूर होगा, और अपनी हेयर फॉलिंग के लिए या फिर स्किन रिजुनेशन के लिए यानी कि अच्छी त्वचा के लिए कभी ना कभी कराने का जरूर सोचा होगा। लेकिन आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई पीआरपी कराएं या फिर हम जीएफसी कराएं। तो दोस्तों आज मैं डॉक्टर ललित कसाना, मैं डॉक्टर पूजा कसाना, और आज हम डिस्कस करेंगे यही दो ट्रीटमेंट्स के बारे में कि कैसे ये दोनों ट्रीटमेंट डिफरेंट हैं एक दूसरे से। जीएफसी इज योर ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट एंड पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब इनका ये तो फुल फॉर्म हो गया, अब बात करते हैं कि कैसे ये ट्रीटमेंट दोनों डिफरेंट है, क्या इनके इंडिकेशन सेम है या इनके बेनिफिट्स डिफरेंट है। हाँ। तो वो आज हम डीपली इसको डिस्कस करते हैं, डिस्कस भी करेंगे और अपनी इस वीडियो को एज ए नॉर्मल कन्वर्सेशन में रखेंगे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी वगैरह यूज ना करके एक सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से बनाएं कि आज के बाद कोई भी आपसे जीएफसी या फिर पीआरपी के बारे में पूछे तो आपको एक सेकंड में चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले इंडिकेशंस। हाँ। जैसे कि आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और हेयर का थिनिंग होने लगा है, डेंसिटी बहुत कम हो गई है, या अगर पीआरपी फेस के लिए भी होता है तो फेस पे डलनेस है, अनइवन टोन है, रिंकल्स है, फाइन लाइन है, ये सारे इंडिकेशंस होते हैं जहां पीआरपी या जीएफसी कर सकते हैं। तो लेकिन ट्रीटमेंट कराने से पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है, क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसका प्रॉपर प्रोसेस है। हाँ। आपने अभी जैसे डॉक्टर साहब इंडिकेशंस बताए, अब आपको इंडिकेशंस देख के सुन के ये समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ट्रीटमेंट ऐसे हैं कि जो आपकी स्किन को इंटरनली हील करते हैं, चाहे वो बालों में हो, चाहे आपकी त्वचा पे हो यानी कि आपकी स्किन पे हो, ये दोनों ही पार्ट में आपकी स्किन को नेचुरली बूस्ट करते हैं। अब मैंने वर्ड यूज किया कि नेचुरली बूस्ट करते हैं, तो नेचुरली बूस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इन दोनों ट्रीटमेंट की खास बात यही है कि ये 100% सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि इनमें बाहर से हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं, केमिकल वगैरह या कोई अलग प्रोडक्ट यूज नहीं होता है, जो भी यूज होता है वो आपकी खुद के ब्लड से ही निकलता है। नेचुरल भी है ब्लड से हमने प्लाज्मा लेना। और डॉक्टर साहब सबसे अच्छी बात जो है कि बहुत क्विक एक्टिंग है, बहुत जल्दी से वर्क करता है। क्यों वर्क करता है? क्योंकि ये आपकी खुद की बॉडी का है ना, मतलब वो तो बस ऐसे समझो कि जैसे सिंपल वर्ड्स में जब समझाना होता है कि भाई आपकी खुद की एक पेड़ है, पेड़ को मतलब उसी का ही खाद अच्छे से लेके सारे नरिशमेंट वगैरह एकदम उसको दे दिए जाएं तो वो बहुत अच्छे से एकदम वर्क जो है वो करेगा। अब ये तो बात थी दोनों कॉमन कि दोनों थेरेपीज में कॉमन क्या है, और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है क्योंकि जब हम पीआरपी परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जीएफसी कर रहे हैं तो दोनों ट्रीटमेंट देखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, प्रक्रिया एकदम सेम है क्योंकि ब्लड कलेक्शन, सबसे पहले ब्लड कलेक्शन होता है, सबसे पहले ब्लड लेते हैं चाहे वो पीआरपी हो या जीएफसी हो। हम क्लिनिक पे लगभग 20 ml के करीब ब्लड लेते हैं दोनों ही प्रोसीजर्स के लिए। इसके बाद सिर्फ जो डिफ्रेंशिएट जो चीजें होती हैं या जो डिफरेंट चीजें होती हैं वो क्या आती हैं कि पीआरपी के लिए जो हम ट्यूब्स यूज करते हैं वो नॉर्मल ट्यूब्स होती हैं, है ना, जिनके अंदर एक अलग से बफर लेयर बनाने के लिए या फिर जिनमें एक सेपरेट करने के लिए सेपरेटर होता है जो आपके ब्लड से प्लेटलेट्स को अलग कर देता है। यानी कि पीआरपी में सिर्फ जो होता है वो आपके पास मिलेगा आपको प्लाज्मा, बट जीएफसी यानी कि जो है ग्रोथ फैक्टर कंसेंट्रेशन, जीएफसी में आपके निकलेंगे ग्रोथ फैक्टर्स, और वो ग्रोथ फैक्टर्स आपके खुद की बॉडी के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से वर्क करते हैं। हाँ, मतलब उसमें ये डिफरेंस हो गया कि जीएफसी एक हाईली कंसंट्रेशन है ग्रोथ फैक्टर्स का जो आपका सिर्फ बालों को फॉल करने से नहीं रोकेगा, इनफैक्ट आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पीआरपी और जीएफसी में डिफरेंस क्या होता है। हाँ, तो सिर्फ टाइम थोड़ा सा, क्योंकि जो पीआरपी है, पीआरपी तो हमने सिंपल ब्लड लिया, डायरेक्ट सेंट्रीफ्यूज किया,
उससे जो है प्लाज्मा सेपरेट, प्लाज्मा से जो है अपना वो सेपरेट हो गया प्रॉपर, आरबीसीज वगैरह रेड ब्लड सेल्स अलग हो जाती हैं, बाकी प्लाज्मा जो है वो अपना निकल जाता है जिसके अंदर हमने बताया कि प्लेटलेट्स ज्यादा होते हैं, उसको हम तुरंत ही यूज कर सकते हैं। लेकिन जीएफसी में जब हम प्रोसीजर करते हैं तो अप्रोक्स लगभग 45 मिनट का टाइम लगता है उसको सेपरेट होने के लिए, तो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, ड्यूरेशन ऑफ उसको प्रिपेयर करने के लिए, जो प्रॉपर अपना हमारा जब से ब्लड लिया उससे लेके और जब हम करने वाले हैं ट्रीटमेंट, तो लगभग 45 मिनट्स के बीच का टाइम वो लगता है। ठीक है, और रिजल्ट की या फिर आपको थेरेपी की बात करूं तो दोनों ही कंडीशंस में कम से कम भी 5-6 सिटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, और फेस के लिए भी और हेयर के लिए भी। और आइडियल टाइम जो है वो 1-1 मंथ का टाइम है। अगर किसी को जल्दी रिजल्ट चाहिए तो हम 15-15 डेज के बाद भी हम थेरेपी जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हम पीआरपी की, तो पीआरपी फेस और आपकी स्किन के लिए, या सॉरी स्किन के लिए और आपके हेयर के लिए एक ही यूज होती है। लेकिन अगर हम जीएफसी की बात करें तो आजकल अलग अलग किट्स आती हैं। हाँ, फेस के लिए, अलग किट आती है और आपकी हेयर के लिए अलग किट आती है। बात करूं प्राइस की, तो प्राइस नॉर्मली जो पीआरपी है ये वेरी करता है, आपका डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्होंने अपने इंडिविजुअल चार्ज कितना लिया हुआ है, रखा हुआ है, या फिर एक जगह पे भी है कि जैसे जो रूरल एरिया है वहां पे थोड़ा सा कम होता है, हाईटेक सिटीज है वहां पे थोड़ा सा और ज्यादा उसका चार्ज करते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज जो चार्ज होता है वो पीआरपी का 4,000 to 5,000 या 6,000 होता है, और वहीं पे ही अगर हम जीएफसी की बात करें तो मिनिमम 6,000 से लेके आपका 12,000-15,000 तक भी, जब स्टार्ट हुआ था तो लगभग 20,000 पर सिटिंग तक भी लोग लेते थे। अब दोनों में डिफ्रेंशिएट भी इसीलिए होता है क्योंकि जो पीआरपी है, पीआरपी नॉर्मल हम नॉर्मल ट्यूब्स में भी ले सकते हैं, ट्यूब्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन जीएफसी की प्रॉपर किट आती है और वो किट ही लगभग आपकी जो है 5,000-6,000 के करीब किट ही आती है जो डॉक्टर्स के लिए आती है। तो दैट्स व्हाई कि थोड़ा सा जो है वो प्रीमियम और थोड़ा सा महंगा ट्रीटमेंट होता है। और इसके साथ पेशेंट को मतलब ये एक एज ए पेशेंट अगर मैं बात करूं कि ये प्रोसीजर कितना पेनफुल हो सकता है या कितना क्या प्रोसेस है, मतलब जैसे एक इंजेक्शन हर किसी को रहता है कि इतने सारे इंजेक्शंस है ये मुझे लगाए जाएंगे, तो क्या ये पेनफुल होता है या किस तरीके से, क्योंकि ब्लड सैंपल लेना तो मुझे लगता है कि बहुत, जैसे हम लोग अपना टेस्ट कराते हैं कोई भी तो वो आप सभी ने लिया होगा, वो सेम प्रोसीजर वही है कि जितना, बट वो जो नीडल्स होते हैं उनको देख के, वीडियोस को देखते हैं इतने सारे इंजेक्शंस है जो फेस पे लगेंगे या देखो इसमें जो निडल्स हम यूज करते हैं वो इंसुलिन वाली जो निडल्स होती हैं, बहुत फाइन निडल होती है, उसको यूज करते हैं तो प्रिक तो फील होता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब पेन तो फील होता है बट वो इजिली ब्रेबल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बहुत तेज पेन है, मतलब वो आप इजिली उसको जो है करा सकते हैं। कई बार जिन लोगों को बिल्कुल हेयर नहीं है, जो बिल्कुल एकदम क्लीन किया हुआ है ना, शेव किया हुआ है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम प्राइलॉक्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बेस्ट है कि सिंपल हम ऐसे ही उसको करें क्योंकि बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है और वो भी सेकेंड्स के लिए होता है, ठक 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 किया हो गया, मतलब आप समझो कि पूरा ही स्कैल्प को करने के लिए ही लगभग हमारा जो 8-10 ml हमारा कई बार जो है हमें प्लाज्मा, मतलब और अच्छी बात जीएफसी की क्या है कि 20 ml ब्लड से ही हमको कई बार 8-10 ml तक भी जो है हमें प्लाज्मा ग्रोथ फैक्टर जो है वो मिल जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। और उसको पूरे को करने के लिए लगभग समझो कि हम 8 ml भी दे रहे हैं तो 8 ml ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2-3 minutes में कंप्लीट वो हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं है। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने कोशिश करी है कि आपको डिफरेंस बताएं कि क्या डिफरेंट है पीआरपी और जीएफसी में, और अगर आपको लगता है अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर कंसल्टेशन ले सकते हैं कोई भी ट्रीटमेंट कराने से पहले, लेकिन आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना, मैं डॉक्टर पूजा कसाना, इसी तरह आपके साथ जुड़े रहेंगे, हमारी वीडियोज को इसी तरह देखते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा, और अगर